हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं प्रशांत आज आपके लिए कुछ बिगुनिया के फैक्ट्स वगैरह लेकर आया हूँ कि कैसे हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो हम लोग आज कुछ इसके बारे में जो बात करेंगे बिगुनिया, उसके टाइप्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर टाइप्स के बारे में हम लोग बात करें तो आपको जो यहाँ पे जितने भी बिगुनिया दिख रहे हैं ये सारे ट्यूबरस बिगुनिया हैं। इसके अलावा रेक्स बिगुनिया, वैक्स बिगुनिया, फाइबरस रूट्स बिगुनिया, बहुत सारे बिगुनिया होते हैं और ऑलमोस्ट 1800 प्लस, मोर देन 1800 प्लस स्पेसीज होते हैं बिगुनिया के। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड और काफ़ी इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। हम लोग आज नॉर्मली बात करेंगे बिगुनिया के बारे में, कुछ तीन चार पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, बिगुनिया का लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका सॉयल कैसे होना चाहिए, पॉटिंग मिक्स प्लस पॉट्स वगैरह में हमें कैसे रखना है उसके बारे में भी देखेंगे। वाटर शेड्यूल क्या होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। एंड एट लास्ट हमें इस प्लांट्स में कैसे प्रूनिंग या डेड हेडिंग कैसे करनी है, सो दैट कि प्लांट्स हमारा हेल्दी बना रहे और ब्लूम हमें लंबे टाइम तक मिलता रहे। तो कुछ जो बिगुनियाज होते हैं मोस्टली प्रेनियस भी होते हैं और एनुअल्स भी होते हैं। जो ट्यूबरस हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो बल्ब या ट्यूबर से हम इसको ग्रो करते हैं, ये एनुअल्स होते हैं। इसे हम लोग विंटर्स में स्टोर कर देते हैं और विंटर्स ओवर होते ही हम लोग इसको वापस से पॉटिंग मिक्स में प्लांट कर देते हैं ताकि नया प्लांट आ जाए और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि ये उसी क्लाइमेट को पसंद करता है। इसे हॉट क्लाइमेट बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे पार्शियल सन चाहिए। फुल सन में इसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इसकी जो लीव्स हैं वो भी इतने शाइनी और हेल्दी नहीं दिखते हैं। तो हमें इनको इनडायरेक्ट सनलाइट देना है। फ्रेंड्स, बिगुनियाज जो हैं ये हिली रीजन्स या वैसी जगह जहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस हो और वार्म, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। टेम्परेचर शुड बी अराउंड 30-35 मैक्सिमम, नॉट मोर देन 35 इन एनी केस। अदरवाइज जो इसके लीव्स होंगे, प्लांट होंगे, वो बर्न हो जाएंगे और इतने ग्रो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको सेमी शेड में रखना है। पार्शियल सनलाइट अगर मिले मॉर्निंग की तो अच्छा है, ज़्यादा हमें हार्श और डायरेक्ट सन हमें इसको नहीं देना है, अदरवाइज ये प्लांट खराब हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसके सॉइल की बात कर लेते हैं। इसका अगर हम लोग सॉइल देखें तो ये बिल्कुल लाइट पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। मोस्टली हम लोग इसके पॉटिंग मिक्स में जो यूज़ करेंगे वो आप 30-40% गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, 10-20% इसमें सैंड यूज करना है और हमें इसमें 10-20% वर्मी कंपोस्ट यूज करना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हम कोकोपीट इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सॉइल वेल ड्रेनिंग हो और इसमें हमें ये सॉइल हार्ड नहीं हो पाए। हमें इसको थोड़े थोड़े टाइम पे हमें इसको कुड़ाई करती रहनी है ताकि ये लाइट सा बना रहे। इसके बाद हमें पॉट सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि हम जब भी ये प्लांट को लगाते हैं, इसके ट्यूबर्स को, तो उसके 2 इंच के आसपास की जगह खाली होनी चाहिए। पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं हो और ज़्यादा छोटा नहीं हो। अगर ज़्यादा पॉट छोटा हो गया तो जो ट्यूबर्स हैं उसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, तो हमारे प्लांट हेल्दी नहीं दिखेंगे। और अगर पॉट ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये वाटर को ज़्यादा वेट रखेगा, तो वो भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। हमें मीडियम पॉट का सिलेक्शन करना है, ये हमें खास ध्यान रखना है। दोस्तों, हम इसके वाटरिंग शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अपर सॉयल है ये अगर ड्राई दिखे तो हम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जो वाटर है वो इस पॉट से बाहर आ जाना चाहिए अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो हमें सॉयल मॉइस्ट चाहिए लेकिन वेट या सॉगी नहीं चाहिए, हमें उसका खास ध्यान रखना है। और अगर हम बेस्ट पॉट की बात करें तो यह क्वायर पॉट में, जिसमें भी क्वायर पॉट होते हैं या ज़्यादा होल्स होंगे, अगर हमें इसमें बेस में तो होल्स हैं ही, अगर साइड में भी होल्स हो तो ज़्यादा बेटर ग्रो करते हैं हमारे प्लांट। और उसकी जो मिट्टी है कभी सौगी नहीं होगी तो प्लांट कभी खराब नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका अगर हम लोग मिट्टी देखो, इसकी थोड़ी देखो कितनी लाइट इसके सॉयल है और दैट्स वाई देखिए प्लांट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है।
तो वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इसकी जरूरत हो। बिल्कुल हमें ये वेट नहीं करना है कि हमारा जो बिगुनिया प्लांट है अगर विल्ट कर जाए, बिल्कुल मुरझा जाए, तब हम पानी डालें। नहीं, इतना भी वेट नहीं करना है, उसके पहले ही हमें वाटरिंग कर देनी है। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो हम होममेड फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट मंथली यूज कर सकते हैं। इसको टॉप अप कर सकते हैं 1 inch ऑन अपर सॉइल, और जब भी हम पानी देंगे तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन पूरे सॉइल में जाता रहेगा और प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा। तो हम लोगों ने बात कर ली इसके लोकेशन की, इसके पॉटिंग मिक्स की, पॉट की, वाटर शेड्यूल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे इस प्लांट को ज़्यादा टाइम तक ब्लूमिंग कंडीशन में रख सकते हैं। तो ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं अभी तो ये हेल्दी फ्लावर्स है, लेकिन जब भी लगे कि आपको ये फ्लावर्स जो हैं ये फेड हो चुके हैं, तो हमें यहाँ से इसको, इसका जो स्टॉक आया हुआ है यहाँ से इसको कट करके हटा देना है, सो दैट की जो इसकी एनर्जी है वो नए ब्लूमिंग पे आ जाए और पुराने वाले को रिवाइव ना करे। तो वो हमें खास करके ध्यान रखना है। जैसे ये प्लांट भी अभी फेड नहीं हुआ है, जब फेड होगा तो इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से इसको प्रून कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ से डेडहेड कर देता हूँ। डेड हेडिंग करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे नए नए फ्लावर्स आते रहें। और तो फ्लावर्स हैं इसमें हमारे, अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी ये हमारा बिल्कुल यंग प्लांट है। अभी इसमें फ्लावरिंग अभी जस्ट शुरू हुई है, और ये भी बिल्कुल यंग है, अभी जस्ट फ्लावरिंग शुरू ही हुई है। तो हमें इसमें डेड हेडिंग का भी काफ़ी ध्यान रखना है, सो दैट कि ये थोड़े लंबे टाइम तक, ये मिड समर से इसका ब्लूमिंग टाइम शुरू हो जाता है और ये चलता है लगभग लास्ट फॉल तक। तो हमें इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं, बिगुनियाज को ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब फॉल में हमें जो ट्यूबर्स होंगे यहाँ से, वो ट्यूबर्स को हमें फॉल के बाद विंटर्स में निकाल लेना है और उसे हम एक कार्टन में स्टोर कर लेंगे और उसे हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज कर सकते हैं विंटर्स के बाद अगेन। तो उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर प्रोपेगेशन करना चाहें उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, तो वो सारे आप वीडियोज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके, और मैं आगे भी इससे वीडियोज बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियोज में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।